और हम दोनों भाग गए। लेकिन आंटी, अंकल को कभी देखा नहीं, घर में उनकी कोई फोटो नहीं है क्या? देखा ना शिवा, सभी पिताजी की फोटो मांग रहे हैं। अब श्रुति ने भी पूछा, कब लगाएगा रे उनकी फोटो? लगा दूंगा माँ। फोटो फ्रेम करने के लिए इतने दिन, इतना आलसी होना अच्छा नहीं है शिवा। माँ, मैंने बोला ना लगा दूंगा, अब दिमाग मत खराब करो। ए, तुझे और कोई काम नहीं? इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, लगा के मेरी वॉट लगा देती है। अरे उसे क्यों डांट रहे रे तू? पूरी नारद की बेटी है वो, ऐसा ही है, तू बुरा मत मान। अरे चांद, माँ माँ देखो, पूर्णिमा का चांद। माँ ये सब क्या है आंटी? पूर्णिमा के चांद को देखकर माँ की गोद में सोके जो मांगो मिलता है, तुझे नहीं मालूम? सच में नहीं मालूम? मुझे कैसे पता चलेगा, मेरी माँ नहीं है ना? श्रुति इधर आ, मुझे अपनी माँ जैसी समझना। शिवा, शिवा, हैप्पी बर्थडे शिवा, क्या ऐसे देख रहे हो? आज 25 दिसंबर है, तुम्हारा बर्थडे। ओ, श्रुति खराब है, केक तो अच्छा है ना? शिवा, तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कब का अपना फ्रेंड मान लिया है। हाँ शिवा, मेरी जिंदगी में खुशियों के पल तुमसे मिलने के बाद ही आए हैं, जिसको मैं खोना नहीं चाहती। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी माँ चल बसी, और फिर हॉस्टल लाइफ। तुम्हें पता है शिवा, छोटी छोटी खुशियों को तरस गई। अब तक मेरी जिंदगी में मुझसे जो भी मिला, उसके मन में कुछ और था और जुबान पर कुछ और ही। एक तुम ही हो शिवा, जो दिल में प्यार रखते हुए भी ऊपर ही ऊपर हंसी मजाक और मस्ती करते रहते हो। यही कारण है शिवा के मैं भी दिल से तुम्हारे साथ इन छोटी मस्तियों में खुश रहती हूँ। अगर मैं अपनी लाइफ से तुलना करूँ तो तुम ज्यादा खुश हो, माँ है, इंदु है, सब कुछ है तुम्हारे पास। शिवा, तुमसे मिलने के बाद ही जाना कि घर क्या होता है, परिवार क्या होता है। आई लाइक यू शिवा, इस जन्म में तुम्हारी दोस्ती नहीं भूलूंगी। चलो केक काटो। वन सेकंड। शिवा, वन सेकंड, कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ। ए शिवा, क्या कर रहे हो, क्या हुआ है? आ रहा हूँ, बैठो। मामा, माँ, डोसा रखा है किचन में। अरे उठो ना माँ। अरे माँ उठना। उसे क्यों उठा रहा है? इंदु, इंदु उठना। माँ मेरे साथ आओ। क्या भैया? आ तो। क्या अरे ऐसे चोरों की तरह क्यों आया, क्या हो गया आधी रात को? ऐसे क्या देख रही हो आंटी, भूल गए आप लोग, आज शिवा का बर्थडे है। बर्थडे मतलब जन्मदिन ना, तो कब पैदा हुआ है मुझे भी नहीं मालूम है। क्या सिर हिला रहा है, आज जन्मदिन है तुझे किसने कहा? नहीं आंटी, उस दिन ट्रेन में इसी ने कहा था। क्या श्रुति, तू भी इसकी बातों में आ गई? अरे इसकी बातें तू मान गई, ये सब क्या कर रही है तू? क्या रे नाला है, क्यों मूर्ख बना रहे उसे? ये सब तू क्या कर रही है श्रुति? अरे श्रुति कहाँ जा रही है? अरे श्रुति, अरे उसको रोक ना, जा ना तू, तू भी क्या कर रहा है? माँ माँ वो चली गई। माँ, भैया आपने देखा वो चली गई। चली गई क्या? केक। ए रोक, तू कुछ ज्यादा ही कर रहा है, इतने रात को तू उसे अकेले जाने देगा? जा तू। माँ केडिया में वो हैदराबाद को किलो के भाव बेच देगी।
testing. All okay? Volume fine? Be on air. Hey listeners, this is Shruti. आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची. यह बहुत हॉट है गुरु. आज मेरे साथ है हमारे फेवरेट आरजे सुक्कू, सुकुमार. हाय. हाय लिसनर्स, हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम. तो हम खेल सकते हैं, गा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो आपके सामने श्रुति. हैप्पी, हम सब मिलकर खेले. श्रुति, हेलो, क्या प्रॉब्लम है? तेरा नाम श्रुति है क्या? नहीं है ना, काम कर. श्रुति, मेरी बात तो सुनो. श्रुति, क्या श्रुति, छोटे बच्चों की तरह रूठ गई हो. केक नहीं काटा तो इतनी गुस्सा हो गई, बात करना बंद कर दिया. देखो श्रुति, आंधी में दीपक जला लेना पर शिवा पे गुस्सा मत करना. हाँ सॉरी श्रुति, अब मान भी जाओ ना. रॉ मटेरियल टाइप हूँ, मुझे क्या पता प्यार में लोग गुस्सा हो तो कैसे मनाया जाता है. ए, चुप कर, शर्म नहीं आती क्या? पीछे मत आ, बोला ना, चल जा, मुंह उठा के फिर से आ गया है. अरे चुप रहो, सबको देता हूँ, चलो. कब हाय बच्चों, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है महालक्ष्मी. हाय छोटी, आपका नाम क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? एक गाना गा सकती हो? जाओ. हाय, तुम्हारा नाम क्या है? क्यों रो रही है? बोलना नहीं आता है क्या? सॉरी, मैं जो बोलूंगा वो करेगी. तो तुझे मैं एक चॉकलेट दूंगा, ठीक है? साउंड नहीं आ रहा क्या? ये देख. चू 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 चू. हाय श्रुति, प्लीज डिलीट मत करना. तुम्हारा उस दिन गुस्सा आना सही था. मैंने तुम्हारे ऊपर हंस के गलती की थी. मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, पर उस रात मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया. मैं बचपन से ही बहुत शरारती हूँ, बहुत मस्ती करता था, लेकिन कोई मुझे मार नहीं पाता था. मैं भाग जाता था, लेकिन भगवान की मार से भला कौन बच पाया है. एक दिन उनकी मार पड़ी और पिताजी चल बसे. एक कंधे पे बस्ते का बोझ और दूसरे पे जिम्मेदारियों का. चार पैसा कमाने के लिए मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी. मेरे जीवन का एक ही मकसद था कि माँ को अच्छे डॉक्टर से चेक कराऊं और बहन की पढ़ाई अच्छे से करवाऊं. इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता था. मैंने हमेशा खुशी खुशी बहन का बर्थडे मनाया, और वक्त के साथ साथ मैं अपना बर्थडे ही भूल गया. और उस रात जब तुम मेरे कमरे में मेरा बर्थडे केक लेके आई तो मुझे हंसी छूट गई. क्या करूं, जो खुशी तुम मेरे कमरे में लेके आई उसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था. तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति. बाय श्रुति, अब मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा. ये ले. माँ, ये आटा कैसे डाल रही हो? फिरन लेबली जैसे. मैं डोसा बना रही हूँ, तू चुपचाप बैठ के खा, नहीं तो मारूंगी.
शिवा की मेहनत की कमाई इस डोसे में डालकर खा रही है। माँ देखो तो कौन आया है। कौन रे? कल जिसे तुम लोग ने रुलाया था, जोर जोर से रो रही थी, वही आई है क्या? माँ तुम? आंटी डोसा जल रहा है, देखिए। अरे तू भी प्लेट ले ले, मैं तुझे भी खिलाती हूँ। शिवा कहाँ है आंटी? अरे रविवार के दिन वो कहाँ घर पे रहता है नालायक। देखिए आंटी, ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ, बुरा मत मानना। माँ की जिम्मेदारी याद दिला रही हूँ आपको। बस कभी सैलरी 1 तारीख को देता है या नहीं, यही देखते हो आप लोग। लेकिन किसी ने भी उसके दिल में झांका कि उसके मन में क्या है? अपनी बहन की शादी वो किसी अच्छे घर में करना चाहता है, माँ का अच्छा इलाज करना है, इसलिए वो छुट्टी के दिन भी वो ओवरटाइम करता है। और आप लोगों को लगता है कि वो हमेशा आवारा घूमता रहता है, साल में 1 दिन भी आपको शिवा का बर्थडे मनाना याद नहीं रहता। इट्स वेरी बैड आंटी, आंटी रियली वेरी बैड, वेरी बैड। अरे अरे, उसने कहा कि उसका जन्मदिन नहीं मनाते और तू मान गई, बड़ी भोली है रे तू। वो पूरे महीने की सैलरी घर पे थोड़ी ना देता है, वो इंडिपेंडेंस डे को भी अपने बर्थडे मना लेता है। उसने तुम्हें एक बार फिर से उल्लू बनाया है। बताओ कैसे? मैं बचपन से ही बहुत मस्ती करता हूँ, कभी मार नहीं खाया, कभी पकड़ा नहीं गया। भगवान ने मुझे सिंगल पीस बनाया है। यही कहा ना भैया ने तुमसे? यही कहा ना? देखा? और ये श्रुति मजाक कर रही है, सुनो तो। हाय श्रुति, तुम कब आई? छी श्रुति, अरे वो इसे क्या हुआ? माँ तेरे जन्मदिन की सच्चाई बता दी हमने उसे। ये क्या किया तुमने? श्रुति 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 सुन तो, श्रुति 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 मेरी बात तो सुन। ऑटो। श्रुति 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 मेरी बात तो सुन। चले जाओ। श्रुति श्रुति क्या बेटा, लवर चली गई तो इतना सेंसिटिव होके क्यों खड़ा है? मेरे जैसा हॉट दिखने वाला आदमी तो इतना दुखी होके खड़ा रहेगा, अच्छा नहीं लगता ना। मेरी तरह रहे। ये देखो बेटा, नया फोन लिया है, 2 मेगापिक्सल, टिल ऑल फीचर्स आर देयर। जहाँ भी लड़की दिखी उसकी फोटो निकाल ली, और लवर जो बैठ के चुप्पी करते हैं ना उसकी फोटो निकाल ली, खचा 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 खींच करके सीधे पुलिस स्टेशन में भेज देता हूँ। बीच में कहीं नहीं जाता है, बहुत काम करता है, सुपर फोन है ना भाई। आउटगोइंग है क्या? अरे नया कार्ड डाला यार, यूज करना। सुपर है। हेलो हेलो श्रुति, शिवा बोल रहा हूँ। ए फोन रख। आवाज की क्लैरिटी कैसी है बच्चा? Oh.